मैं तेरे संग का भागा डोल रहा हूँ बेवकूफी में, बेफालतू में, फिजूल में, कोई मतलब ना सतलब। चलो ठीक है, तो मुझे काम है पंचायत में, तू जा। पंचायत कब से करने लगे? दूसरी घरों की पंचायत कर भी लेते। खैर चलो, तो बाबा को मनाने चलो। अरे मेहनत प्रभु, अरे मेहनत प्रभु। हरिओम तत्सत। अरे मेरे सामने काय को करते हो, मुझे संभाले में तुम्हारा पाखंड। मेरे सामने मत करा करो, हरिओम तत्सत। अरे अब एक ग्राहक तो मैंने सेट कर दिया है, खो आ जाएगा। है कोई? ठीक है ठीक है, अब दूसरे ग्राहक के पास चले। चलो चलो, हम तो तैयार है। खा लिया कुछ? चौड़ी मार के आ रही हो? आ जाओ, हंस रहे हो 10 रुपये खर्च करके। चलो अब मेरी बात सुनो। बताओ बताओ। कचौड़ी कम खाया करो। क्यों खाएंगे हम? अरे पीपल वाला पेड़ दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है सामने पीपल वाला पेड़। इसके बराबर में मकान लग रहा है। हाँ हाँ है ये ना। कैसा रंग है? गुलाबी। हाँ इस गुलाबी वाले मकान में घुसना है अब तुम्हें। ठीक है ठीक है। और मेरी बात सुनो। सुनाओ। उससे भी ज्यादा ततेर और बटेर है ये। अरे अच्छा, ये उससे भी ज्यादा 21 फालतू। ठीक है, अब तुम्हें जाके ये तुम्हें ये तो तुम्हें लात मार के निकालेगी उसने, तो बातों से निकाला, ये लात से निकालेगी। अरे तो ऐसी जगह पर। अरे यार मेरी बात तो सुनो, दो पैसे का धंधा नहीं कमाना चाह रही? हाँ ठीक है हम जाओ, तो लात खा के आओ। मेरा कहने मतलब जाओ, घुस जाओ घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, हरिओम मौ पहुँच लेना, सब्जी सब नहीं है। श्री ओम हर हर महादेव, समुद्र पुरारी जय जय महादेव। अरे कौन आ गया? श्री ओम। हरिओम बेटी। हाँ बताइए, क्या काम है, किससे मिलना है? आशीर्वाद। आशीर्वाद तो भगवान का हमेशा बना रहता है। नहीं पुत्री, हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं। हाँ तो क्या करें, हम भी तुम्हारे साथ चले वहाँ पे संन्यास करने के लिए। बेटी खतरनाक लगती हो। खतरनाक वाली का जवाब देना आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ बेटी, हम जो है भिक्षाम दे ही पुत्री, भिक्षाम दे। अरे उल्टा कोई मुझे दे दे 2-4 लाख रुपए, जरा शॉपिंग करी आऊं, 2-4 साड़ी बना लूं बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। पुत्री बस इन्हीं कर्मों की वजह से इंसान नरक जाता है। इतना दौलत शोहरत सब, इतनी अच्छी साड़ी गाड़ी घोड़े, अच्छा और एक ब्राह्मण के लिए कुछ। अरे आज कल ब्राह्मणों के भेष में ना ढोंगी घूम रहे हैं, उनसे कमाया धमाया तो जाता नहीं। अच्छा। वो ये सोचते अब पीले कलर का चोला डाल ले और राम राम जप के उसका भी हड़प और उसका भी हड़प, तो ये वाला काम। और हमारे आदमी जो हैं, जो कमाते हैं, वो मेहनत करते हैं, अच्छा। भाई बच्चों से दूर रहते हैं, अच्छा। अपना पसीना बहाते हैं, अच्छा। अब उनकी इतनी मेहनत की कमाई तुम जैसे ब्राह्मणों को देने लगे तो फिर तो नैया पार हो जाएगी। नहीं पुत्री, कमर हालेंगे हम घर बैठे। हम ऐसे नहीं आए बड़े। सुनो 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 पुत्री, सुनो सुन तो लो। अब सुन नहीं हूँ, इतना टाइम कहाँ मेरे पास सुनने सुनाने का। कुल मिला के बात ये है कि मेरे घर में भिक्षांदे है ना है, कोई और घर झाको। पुत्री कुछ तो डालो इसमें। ऐसे वैसे ना डालती हूँ मैं, समझ में आ गई? भाई लो डालो, क्या डालो, हमारे पास पैसे लग रहा है का, तुम्हें चीज जेवर उतार के दे दूँ अब मैं। कर दी? अगर जेवर भी दे दोगे एक ब्राह्मण को तो तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं। अच्छा, ओ 20,000 की चूड़ी दे दूं वो घटेगा नहीं? 20,000 कमा के देखो ब्राह्मण जी, हद कर दी आ गए। हाँ आदमी से 100 झूठ बोल के तो हाथ पैर दबा दबा के लोलो चोपो करके तो कैसे कैसे पैसे बचा के चीज जेवर बनाओ, और तुम्हें ब्राह्मणों को भेंट कर दे, हमसे बड़ा कौन बेवकूफ लेगा? पुत्री मैं समझ रहा हूँ। अरे हमें ना सुननी, निकलो निकलो। गुड़िया पुत्री चिड़िया, मेरे पास लटलाटी भी रहता, निकलो। मैं इतने अच्छे मूड में बैठी टीवी सीरियल देख रही। चलो अरे चलो भागो ऐसे, चलो मंत्र निकलो दरवाजे पर सीखने वाले। चल मंत्र, अरे मंत्र तो ऐसा मार के गया है जैसे आज ही मेरे घर पर काला बादल गिरेगा। आया बड़ा। ओम नमो नारायण बाबा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण बाबा। प्रणाम। कैसे हैं आप? प्रणाम पुत्री। प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ पुत्री, लेकिन तूने तो उस दिन हमें ललकार के भगा दिया। जब ललकार आ था उसी को वापस लेने आई हूँ अब, समझो। अच्छा, जो ललकार फटकार जूता चप्पल जो भी बरसाए थे, जितनी बेइज्जती करी थी, जितने तुम पे डंडे बरसाए थे, सब के सब वापस लेने आई हूँ। वो तो मुझे पता है गुड़िया, मुझे पता है। अब देखो मेरे घर पर बड़ी बिपता पड़ी हुई है। क्या? अब तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं सबसे पैसे वाली हो जाऊँ, पूरे गाँव में मुझसे पैसे वाली कोई ना हो। इसका मतलब तू चाहती है कि तुझे पैसे वाला बनना है? अरे ये तो हर इंसान का सपना, तुम्हारा सपना ना है? नहीं, हम तो वैरागी हैं पुत्री। अच्छा। हमें तो बस एक कुर्ता एक धोती बस। चलो कोई नहीं, इससे भी अच्छे कुर्ता धोती मैं तुम्हें बनवा के दूंगी, लेकिन नहीं, हम
नया कपड़ा नहीं लेते, क्यों? क्योंकि उससे अहंकार आ जाएगा, हम पुराने में ठीक है। अब तुम अपना बताओ पुत्री। आदत तो वही है ना भूदड़ों में रहने। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो अब देखो मैं ये कह रही हूँ, जितनी भी भैंसे ला रहे घर में एक भी दूध ना दे रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में दूध दे क्यों ना रही हूँ। और तुम्हें तो पता है मैं बगैर दूध के रह ना सकूं, क्योंकि हर आए दिन मुझे मोहल्ले में लड़ाई करनी पड़े सबसे। दूध दूध उसके लिए बहुत जरूरी है। दूध? हाँ दूध दूध। अरे तो दूध को दूध ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? तुम कहाँ ले रहे हो, तुम तो ज्यादा गहराई में चले गए बाबा। मैं तुमसे उपाय मांगने आई हूँ, बताओ। रुक जा पुत्री। ठीक है रुक, अभी देखता हूँ उसमें। हाँ पुत्री आप सुन जी, हंस रही है मेरे उस कारनामे पे। नहीं बाबा वो मैं मंत्र मार देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मंत्र मार मुस्कुराहट छीन लूंगा तेरी। हाँ अच्छा, समझ में नहीं आ रही तेरे भी? हाँ बस बच्ची बन के बैठी रहे। अब सुन पुत्री, दूध क्यों नहीं दे रही है तेरी भैंस? तेरे घर के ऊपर कोई काला साया आ गया है। काला साया? हाँ। आज तक तो कोई सफेद साया ना आया, अब ये काला साया भी आने लगा। क्या मतलब? नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तक तो कोई विपता नहीं थी। हाँ। लेकिन अचानक अब आ गई है। अच्छा, विपता का कोई समय थोड़ी होता है, या कोई वो नक्षत्र देख के विपता थोड़ी आती है कि इधर। हाँ। विपता तो विपता है, किसी पे भी पड़ सकती है, ईश्वर पे भी विपता पड़ती है, तुम पे भी पड़ सकती है, किसी पे भी पड़। अच्छा नहीं नहीं, इंसान हो, इंसान भी तो किसी पे भी आ सकती है। अब सुन ले, तेरी भैंसें दूध नहीं दे रही है, ठीक है? अब तू मेरी एक बात मान, घर में जितने भी जेवरात है, जितना भी सोना चांदी अंगूठी जेवरात जो भी है, जितनी भी सोना, भैंसों को पहना दूं क्या? सुन ले मेरी बात, अब उन सबको एक हांडी में भर के। हांडी? हांडी देखिए, अच्छा मटका, मटकी, मटका, मटकी। हाँ, तो उसमें भर के लाल कपड़े से उसको बांध के। हाँ। और उसको जो सामने पीपर दिख रहा है, तेरे को सामने देख। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। इसके नीचे आज रात को गाड़ के जाना है तुझे, रात को 12 बजे। 12 बजे ये काम करना है तुझे आज। अब बता, फिर तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं कल जो है तेरा निवारण करूंगा, क्योंकि आज शुक्र है और कल शनिवार। फिर वो मेरा जेवर मिल तो जाएगा ना? मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पक्का बिल्कुल मिलेगा। देख ये तो जेवर तू रखने वाली जाने, या वो पीपल भगवान जाने, भाई उनके सामने ना हमारी चलती है और तू रखने भाई, क्योंकि विश्वास आज के समय में किसी का नहीं है। पता तो आपको भी है कि वहां जेवर रखे जाएंगे। अच्छा ये बताओ, बोलो वहां रखने से क्या फायदा है? वहां रखने से? वहां रखने से ये फायदा है पुत्री कि उस पीपल देवता पे ऊपर जो है जिंद महाराज है। महाराज? नहीं नहीं जिंद। अच्छा जिंद महाराज कब से होने लगे? अरे पुत्री कैसी बातें करती है? नहीं आप ही कह रहे हो ना जिंद महाराज। जिंद है, जिंद जिंद है, जिंद। तो फिर? तो जिंद जो है वहाँ पे, अच्छा वो जो है जब तू वो अपने कलसियां भर के उसमें रखे आएगी। हाँ। वहाँ पे रखने के बाद में वहाँ पे वो जब देखेंगे तेरे घर पहुंचेंगे। हाँ। तेरे बने बिगड़े हुए काम बना देंगे, तुझमें पैसा दौलत शोहरत बंगला गाड़ी सब होगा, और तो और तेरी जो भैंसे हैं वो दूध एक गुना नहीं दो गुना नहीं चौगुना दूध देंगी। कहीं ऐसा ना हो वो जिंद मेरे ऊपर हावी हो जाए, खूबसूरत लड़कियों को देख के अधिकतर जिंद आ जाते हैं। वो ऐसे नहीं है, वो बहुत शुद्ध है। क्यों? रिश्तेदारी है क्या आपकी? अच्छा नहीं कह तो ऐसे ही रहे हो कि वो ऐसे नहीं है। तू चुप रहा कर पुत्री, ज्यादा बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है मंत्र मार के पारो। नहीं नहीं मंत्र मत मारो, वैसे कुछ नहीं होता इन मंत्र। हाँ तो तू जा, अब क्या कर रही है? अच्छा ठीक है, बस यही तो करना है, बस यही करना है कि वो अपने सोने चांदी के जेवरात जितने भी हैं सब यहाँ रख जाना आज रात को 12 बजे। कहीं ऐसा ना हो वो जिंदा आ गया तो? अगर तू नहीं रखने आई तो आ जाएंगे तेरे पास। अरे नहीं मैं जैसी मटकी रखूंगा वो जिंद कूद पड़ा। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं। जब तक तू सोना रखेगी कुछ नहीं कहेंगे, और अगर तू सोना रखने नहीं आए तब सब कुछ कहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो जिंद से तुम्हारे पुराने ताल्लुकात है? जिंद से? हाँ। अरे बेटी हमने मंत्र विद्या सीखी है। अच्छा। तुझे पता है हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे। हाँ। तब हमारे गुरुजी ने हमें ऐसे ऐसे मंत्र सिखा दिए थे कि सब। अब तू ऐसा मान जा गहराई में मन जा। नहीं मैं तुमसे पूछ भी नहीं रही हूँ, निकल ले चुटकी में इतना दम है। चलो ठीक है मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है ना? जा। ठीक है नमस्ते। जा। ए, जा गई बुरा। अरे लप्पू की बाव, लप्पू की बाव। अरे ताऊ राम राम। तू कहीं जाती है हर समय? कहाँ जाऊंगी मैं, घर में ही रहती हूँ। ये कौन सा भेजा तेरे, साड़ी कैसे पहनी है ये? अरे बने ठनी साड़ी, आजकल मॉडल लोग बांधते हैं ऐसी साड़ी। कौन से लोग? मॉडल लोग। मॉडल? मॉडल तो पेपर होता है, कौन सा शो? फैशन फैशन वाले बाहर में जानते मैंने। वो तूने एक लल्ली एक बाबा देखे?
अरे बाबा तो नाश्ते पूरे दिन आवे चा करके सोने भी ना दे। सुन तो ले, पीटते रहे मैं। एक बाबा है, मैं उन्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, दो दिन से ढूंढ रहा हूँ, ये समझ ले मुझे मिल नहीं रहे। चश्मा पे कौन सा ज्ञानी बाबा आ गया जैसे ताऊ तुम? ज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी है, अभिमानी है। उनका जैसा ना तो कोई ज्ञानी है और ना होगा। ऐसे ज्ञान ज्ञानी बाबू? हाँ। और हमारे गांव में क्या कर रहा है? अरे हमारे गांव में उनके चरण पड़े हैं, ये समझ ले हमारे गांव का उद्धार हो गया है। मैं तो उन्हें ढूंढ रहा हूँ दो दिन से। अरे तो मुझे मिलवा से बाबा से। अरे सुन तो ले, चश्मा पहनती है, लंबे लंबे बाल है, और कानों में कुंडल जरूर पहनती है। वो उनको कुंडल पहनना बहुत शौक है, लुगाइयों जैसे शौक है, चश्मा भी पहनते लड़कियों वाला। पर मालूम है उनके अंदर ज्ञान की प्रभा है, ये समझ ले। मेरी मत मारी। ए, सुन तो ले, मेरी सुन ले। वो जिनके ऊपर वो कृपा बरसा दे, जीवन बदल जाता है। अरे अब ताऊ मेरी भी सुन लो। बता। मैंने तो ना धक्के देके निकाल दिया है? क्या देके? धक्के देके निकाल दिया मैंने तो। हे राम, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे तो भाग फूट गए, मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे। तो तेरी इतनी बुद्धि तो काम देती, अब रो क्या रही है? अब रोने से क्या हो जाएगा? वो तो मालूम है। अरे भगाया ही भगाया, क्या उनको मालूम है? उनकी बेइज्जती करिए। सुने, देवता है वो। वो क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट से आए हैं, क्या कहते हैं, तपस्या करके ग्लेशियरों में से। भगवान मेरे से क्या पाप हो गया? 25 साल तपस्या की है उन्होंने। अरे आओ मेरी बात तो सुन लो। मैंने बेइज्जती तो बेइज्जती, मैंने तो वो जलालत करके भेजा उस जलालत, मैंने उसकी पूरी खुआरी करी है। अरे मेरे भूखे नंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते भीख मांगने। भीख मांगने? उन्होंने भिखारी कह दिया, वो दुनिया को भीख बांटते, तूने उन्हें भिखारी कह दिया। मैं तुम भिखारी कमाया धमाया नहीं जाता, दूसरों का हराम बटोरने आ जाओ। बेटा पहले ये तो देख लिया करो कौन आदमी है कैसा। खैर मैं तो चल रहा हूँ, मेरा तो बताने का फर्ज था। बात अब तो हो गया, सत्यानाश गई भैंस पानी में। ये ताऊ भी आए और ढोल सब फाड़ के चले गए। अब कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं उन्हें, हद ही हो गई है। मेहनत मेहनत प्रभु। श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती, कौवा गू खाएगा। मतलब कौवा मोती खाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बताओ। अब मैं ये कह रहा हूँ। क्या कह रहे? दोबारा जाओ उस गली में। किस गली में? परसों भेजे थे जिसमें। अरे उस औरत ने पता है मेरे साथ क्या क्या जिल्लत की, उसने भगा दिया मुझे। अब नहीं भगाएगी। भेज देगी उसने। सुन तो लो, हाई परेशान हो जाती हो। अब तुम जाना दोबारा, ठीक है? घर पे पहुंचोगे ना, आवाज लगाना, घर में जाना उसके, आवाज लगाना। वो अपने आप आके तुम्हारे चरणों में गिरेगी, ठीक है? चल तुम्हारी सेवा करेगी, मैंने तुम्हारा पूरी व्यवस्था ओके कर दी है, ठीक है? उसके बाद उसे लूट लो, ठीक है? लूट लोगे ना? हाँ लूट लूंगा। जाओ तो जाओ, लूट लो, पहुंचो। वो नहीं वैसे धन वृद्धि से, ठीक है? ठीक है ठीक, नहीं है गंदगी मत फैलाओ पे, निकल लो चुपचाप। वो शुद्ध ब्राह्मण है, नहीं चप्पल पड़ेंगे खराब हो जाएगा तुम्हारा, निकल जाओ। चलो पुत्र, ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय बाबा। सुनो बाबा, सुनो पुत्री, सुनो बाबा, सुनो। अब फिर अपमान करने आ गई? नहीं नहीं बाबा, मैं कोई अपमान नहीं करने आई हूँ। बाबा मैं अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। अच्छा, मेरे भाग फूट गए थे बाबा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े सन्यासी हो। अच्छा, आप इतने ज्ञानी बाबा हो। अच्छा, आप पहाड़ों से महा से बिल्कुल इतनी दूर से आए हो बाबा। हाँ, मुझे नहीं पता था बाबा, वो तो ताऊ आए थे गांव के। हाँ, उन्होंने आपके बारे में बताया, जब से मैं तो रो रही हूँ बैठ के कोना। ठीक है ठीक है बाबा, मेरे घर चलो, मुझे बहुत सारी अपनी परेशानियों का हल चाहिए बाबा। हम तो परेशानियों को छोटी बच्ची समझ के अपनी भूल को माफ कर दो बाबा। ठीक है पुत्री, तू पहले अपने घर लेके जाना। चलो बाबा, चलो चलो चल पुत्री, चल बाबा। बाबा मैं कुर्सी लेकर आऊं? नहीं, हम बैठते नहीं है बेटा कुर्सियों पे। नहीं नहीं नहीं, हम जमीन पे भी नहीं बैठते। हम चारपाई लाऊं? बर्फ की सिल्लियों पे बैठते हैं हम। अच्छा, अब इतनी देर में तू मगाएगी, हमारे पैर रुक नहीं पाएंगे। अब बता। अच्छा, अच्छा, बाबा बात ये है। हाँ, बाबा मेरे आदमी का ना काम न चल रहा है, वो ट्रक लेने की कह रहे हैं। अच्छा, और वो ट्रक ना ले पा रहे हैं, और उसमें इतनी बाधाएं आ रही हैं। जब भी पैसों की सोचते हैं, हाँ, जब भी पैसे कहीं और लग जाते हैं, हम ले हाँ, नहीं पाते। हाँ, तो पुत्री बाबा अब पता नहीं क्या होने लगा है। हाँ, पैसे तो पहले तो काम अच्छा था। अच्छा, 2-4-5-10 लाख यूं जुड़ जाते थे, यूं सारे काम हो जाया करते थे। अच्छा अच्छा, अब तो 2-4 करने में सालों गुजर रहे हैं, काम नहीं होके दे रहा है बाबा। अच्छा, 6 महीने से ऊपर हो गए, 2-2.5 नहीं हुए हैं पैसे। अब मेरे पास 2-3 लाख रुपए रखे हैं मैंने, अपना कुछ जोड़ जाड़ के घर के खर्चे में से पैसे मैंने जोड़े,
कुछ उन्होंने करे तब भी हम गाड़ी नहीं ले पा रहे। रुक जाता बेटी रुक जाता, बस अब आ गई मेरे दिमाग में सब बातें सारी आ गई। अब तेरा निवारण होगा 2-3 लाख रुपए हैदराबाद लोग का काम चल गया। मेरी बात सुन ले, रो मत। तो मेरी नई नई साड़ी आ जाएगी। मेरे सामने मत रो, मैं खड़ा हूँ, मैं किसी लिए खड़ा हूँ। बस बाबा अब तुम्हारा ही आशीर्वाद। यो कह रहा हूँ तो 2-3 लाख रुपए है ना तेरे पास? हाँ है। रुक जा, अब सुन बेटा बाबा, अच्छे समंतर मानना पूरा। रुक जा, कल्याण हो जाए। जो 2-3 लाख रुपए हैं तेरे घर में, कोई मटकी हांडी तरीके से कोई है, कोई ऐसी कलसिया वगैरह जैसे बोलते हैं? हाँ, अब उसमें जो है वो 2-3 लाख रुपए अच्छा ज्यादा, उसमें जितने आया उतने रख लो। अच्छा ठीक है, और अगर और ज्यादा हो तो लाल कपड़े में और बांध के पटरिया सी वहां तुम जो है, तुमने मेरा कुटिया देखी है? ना बाबा मैंने ना देखी। इस गांव के बाहर जो है नई कुटिया है जो, अच्छा झोपड़ी सी बनी हुई है। अच्छा वहीं के पास में पीपल खड़े हुए हैं, पीपल। बाबा मैं अगर भूल गई तो? नहीं नहीं, अरे तूने मेरी वो तो देखी है, वो झोपड़ी तो देखी है गांव के बाहर, झोपड़ी जो पड़ी हुई है। बाबा मैं गई ना हूँ अभी तक गांव के बाहर, मैं चलो देख लूंगी। मैं तू देख लेना ठीक है? ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक पीपल का वृक्ष है। अच्छा, वहाँ पीपल के वृक्ष पे जो है नीचे वहाँ पे रात को 12 बजे आज लटक जाऊंगा जा। अब सुन ले मेरी बात, हंस ले। बाबा तुम बात ही ऐसे करो, पीपल के पेड़ के पीछे चुड़ैले लटके हैं। सही मैं सोच रही हूँ मुझे लटका के मुझ पर कहीं जादू मंत्र करके तुझे भूत बनाओगे, तुझे वहाँ पे गड्ढा करके वो 2-3 लाख रुपए आपको गाड़ देने हैं। ठीक है, अब सुन मेरी बात। 2-3 लाख के 5 लाख हो जाएंगे? अरे नहीं होंगे, मेरी बात तो सुन ले। अच्छा अच्छा चलो बता कर पहले बात। अच्छा चलो तो बाबा बता दो। अब सुन मेरी बात कि वहाँ पे जब तू गाड़ देगी पैसे, ऊपर बैठे होंगे जिंद महाराज। तो क्या करना है जिन महाराज के आगे झोली बहला लेनी है? तुझे बिल्कुल ही नहीं बहलानी, वो नीचे उतरेंगे, नीचे देखेंगे सारे तेरे जितने जो घर के खजाने हैं, जो पैसे हैं, इनसे तेरे सारे जो जितने भी काम रुके हुए हैं फवारे 25 करेंगे तेरे। अच्छा सारे के सारे काम बनाएंगे, गाड़ी घोड़े बंगले सब तेरे को दिलवा देंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास चीज जेवर वो भी लेके चलूं? सब ले जा, वो भी ले जा, फिर और ज्यादा होगा ये समझ ले, दुगना लाभ होगा। ठीक है, मेरे पास सोने की चूड़ी रखी है वही लेके जाऊंगी। जा पुत्री जा, आज रात को 12 बजे ठीक है? तो मुझे वहीं खड़े रहना है ना? हाँ बेटा, बाबा जी मुझे डबल करके देंगे ना? डबल करके देंगे, मैं वहीं खड़ी रहूं। नहीं नहीं नहीं, वहां से तू रख लगा के आ जाइयो घर पे, और जब तक तू सोएगी सवेरे। ओ बाबा, अगर किसी और ने देख लिया, किसी और ने चोरी कर ली तो बस। हाँ बताइए बाबा, यही कलयुग ही है, यही कलयुग घुसा हुआ तुम लोगों के अंदर। तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठस से कलयुग घुसा हुआ उसमें। मैं तुम्हें बताऊं कि ये कलयुग की अब एक बात बता, अगर जब तक विश्वास नहीं होगा किसी इंसान के ऊपर तो विश्वास के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। ये बात भी सही है ना? अब इसका मतलब तुम रख के आई हो, उसके बाद में लाभ देगी हो। जब सो के सुबह उठेगी तो ये पौवारे 25 खिले हुए मिलेंगे, देखना। हाँ, हम अच्छा, कह रहे वो पैसे मेरे घर पे अपने आप आ जाए, अपने आप है बिल्कुल। बाबा देखो ऐसा काम करना कि मेरे आदमी ना मुझसे खुश हो जाए, रुके हुए काम ऐसे खुश हो जाए कि मुझे तो ये कहे ये पकड़ नोटों की गड्डी बिल्कुल, गाड़ी ले ली, अब तू जा अपनी सहेलियों के साथ ठीक चाट खा कर आ, साड़ी खरीद के ला, चाट पकौड़ी समोसे कचौड़ी सब सब आ गया बेटा। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है बाबा, ठीक है। अरे अब तो बाबा ने जादू मंत्र मार दिया है, अब देखना कैसी बनूंगी मैं, बन ठन के घूमूंगी। ताऊ जी, अरे कहाँ पर हो? ये बताओ वो कहाँ बाबा? बाबा हाँ, मुझे क्या मालूम कहाँ है बाबा? तुम्हें नहीं पता ना? तुम्हें पता बर्बाद हो गई हूँ मैं। क्यों? अब बर्बाद इसलिए हो गई हूँ क्योंकि सब कुछ लुट गया मेरा। क्यों? वो भी तुम्हारी वजह से। किन्ने लूट लिया? वो कुछ नहीं लूटा तो? अरे मैं तुम्हें बताऊं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने गहने एक हंडिया सी में। किसने? बाबा ने। तो बाबा की मुझे क्या पूछ रही हो, मुझे क्या पता कहा है बाबा? एक हंडिया में भर के पीपल के नीचे करना, तो वो गड्ढा है ना बाबा, है, कोई नहीं है वहाँ पे। तो मेरे पास क्यों आई है तू? अरे तुम ही ने तो राय बताई थी। अबे मैंने तो यही तो कही, मैंने क्या कहा तूने बाबा का अपमान कर दिया, अच्छी बात नहीं है। और क्या कहते बाबा की, मैंने जो थोड़ी कही तू कहने दिया हो माँ, सलाह तो तुम ही ने दी थी। मैंने तो ना कही, मैं तो एक बार नहीं कही, तू चवन्नी भी दी उसे। मैंने तो अच्छे खासे लतेड़ के भगाए, तुम ही ना कही बहुत तपस्वी। अरे तो तपस्वी तो थे, तपस्वी तो आप कहाँ गए? तो मुझे क्या पता, मैंने कहा ठेका ले रखा है किसी का, कहाँ गए कहाँ नहीं गए मुझे क्या पता। तू मेरे पास क्यों आई है उन गहनों के चक्कर में, मुझसे पूछ के रख के आई तू गहने, या मैंने कही तुझसे गहने रखने की? तो एक बार हमें बता तो सकते थे ना। अरे मैं क्या बताता, तूने मुझसे पूछी एक भी बार कि तुम क्या करने जा रहे हो, क्या है
दिमाग खराब हो रहा है तो जा अपने घर पे आके दिमाग खराब कर, मेरे का मेरे घर में काम कर रही है, जा चल। चिल्ला मत, ठीक है ना? चिल्ला मत, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। चली जा, रिपोर्ट लिखाने तुम्हारे खिलाफ। मेरे खिलाफ क्या रिपोर्ट लिखाएगी? तुम्हारे खिलाफ ही लिखाऊंगी। नहीं, क्यों लिखाएगी? उस बाबा को तुम ही लेके आए थे। मैं नहीं लेके आया, मैंने तो खाली वसूले वो कर रहे, तो वसूल के भी रहूंगी। मैंने तो खाली रो गई थी, क्या कहते हैं, बाबा तपस्वी है और बाबा की इज्जत कर लो। मैंने यहाँ थोड़ी गई बाबा पे अपना यज्ञ लुटाया ना पूरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारा, तुम्हारे और बाबा की कुछ वो तो नहीं थी सलाह? सलाह सलाह को मेरा रिश्तेदार लग रहा है, वो मेरा रिश्तेदारी साहब, क्योंकि तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे। तू बकवास की बात है मत कर, मेरा खोपड़ा काहे चटका रही है? तू जा अपने घर, चल घर। सब निकल गए ये नेवला कहीं के। अरे ताऊ, अरे ताऊ घर से बाहर आओ निकल के। मैं बात तो मेरी तो पानी लाओ, पानी लाओ। ना ना पानी वानी कुछ बतलाओ, मेरे लिए तो जहर की सीसी ले आओ ताऊ। तो वो मैं नहीं बेचता लल्ली, मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। अरे ताऊ एक बार पूछ तो लो बड़े मुंह से कि क्या हो गया बेटा। क्यों पूछ लो? तुमने ही राय दी थी मुझे। किस बात के? वो बाबा बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी तूने पाप कर दिया, अब तेरे घर। अरे काय का पाप कर दिया ताऊ, तुम्हारी बातों में आके ना मैं हा? मैं अपने घर के 2.5 लाख रुपए और सोने की 4 चूड़ी है और मटकी में रख के वो पेड़ के नीचे गाड़ी आई मैं। क्यों? बाबा ने कहा। तो तूने मुझसे पूछा मेरे पास क्यों आई है? अरे बाबा मैं बाबा बताओ, मुझसे बाबा ने कहा हा? और तुमने कहा वो बहुत ज्ञानी बाबा है। ज्ञानी थे, तपस्वी थे, ग्लेशियरों में से माउंटेन ग्लेशियर में से तपस्या करके 20 साल आए थे वो। तो फिर वो लेके क्यों भाग गए माल हमारा? बर्फ की सिल्ली में बैठते थे, लेकिन तब तक आज तक उनके पिछवाड़े सुनने नहीं पड़े पता नहीं क्यों। अरे भगवान, मैं तो कहूँ ना मेरे मुंह से गाली निकलेगी, बताओ तुम ना होते ना तो मैं गाली दे देती, सही बता रही हूँ मैं तो मुंह कर ले रहा हूँ। अरे उसके पिछवाड़े में कीड़े पड़ेंगे, उसके पिछवाड़े में देख रहा लटिया ठुसेंगी। चला इन बातों छोड़ो, इनसे कोई अच्छे नहीं हो रहे, भले कर रहे थे अच्छे नहीं लग रहे। बहू है तू इस गाँव की और तू ऐसी बातें कर रही है हमें, अब क्यों आई है? मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या जवाब दूंगी उन्हें अपने लोग को? क्या किस बात का जवाब? मैंने 2.5 लाख रुपए से दे दिए ना। तो फिर वो गए बाबा? तो गए हाँ। अरे सब किया तेरा तुम्हारा, ताऊ जाओ चले जाओ तुम। मैंने बर्बाद लुटा के तुम आओ, तुमने मुझसे राय ली कि मैं 2.5 लाख दिया हूँ ना दिया हूँ, और परेशान कर रहे हो तुम, मुझे इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे है, मेरे बातें पे सी लिख रहा है या बेवकूफ हूँ मैं? आया तो ताऊ तुमने तो कहा मैं तो ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा पे आएगा। लल्ली मैंने तो यो कहा कि बाबा की तपस्या, बाबा की क्या कहते हैं क्षमा मांगनी है, मैं यो थोड़ी गई कि 2.5 लाख दिए बाबा को। मुझे तो अपना कल का लग रहा, वो तो मुझसे क्या देखे, तू बोरिया बिस्तर बांध और जा जा तू जा तू चली जा, पिहरी रिया तू महीना 2 महीने आराम मिल जाएगा थोड़ा दिमाग। अरे ताऊ तुम तो चाह ही रहे, वो मुझे छोड़ दे, घर वालों के साथ क्या करूंगी मैं रह के उनके बिना। हाँ सही बात है, माँ तुझे फैशन करने को थोड़ी मिल जाएगी घर पे। हाँ वही तो बात है ना। जा दावत जाना हुआ है, देख लेना अगर मैं फांसी लगा के मरी ना तुम्हारा नाम लिख के मरूंगी, तुम देख लेता। हाँ बर्बाद कर दी जिंदगी। मेहनत मेहनत प्रभु, मेहनत प्रभु। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण। ओम डबाड़ा मेरे सामने नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ला पैसे दो। हाँ? कौन से पैसे, काय के पैसे, कैसे पैसे? इधर को चश्मा हटाना जरा। अभी चश्मा नहीं हटा रहा मैं। क्यों बता बता, बता मत करो। हाँ पैसे लेके आओ चुपचाप, और वो जेवर लेके आओ, उसके मोटी के जेवर और 2.5 लाख रुपए नगद है। अरे कैसे पैसे? बबुल दिख रही है? नहीं नहीं, वो जो है वो जिंद महाराज ले गए उन्हें पैसों को। जिंद महाराज तो मैं बन जाऊंगा। हाँ मुझ पे पीपल वाला भूत आता है, फिर पीपल वाला भूत, पीपल वाले भूत मुझ पे आता है, मैं यूं यहाँ का जिंद। क्या फायदा, तुम्हें ऊपर टांग दूं और तुम्हें बना दूं बेताल। बेताल देखा है विक्रम के संग? बेताल कमर पे चलता था, इस पे पेड़ पे लटके रहोगे। और सुनो दोनों लोग आएंगे अभी यहीं पे, एक फूंक मारूंगा, तुम तो झूठी फूंक मार गए, मैं सच्ची की फूंक मारूंगा, तुम्हारे पिछवाड़े पे से खाल छील देंगी दोनों। हाँ चुपचाप जाओ और क्या कहते हैं पैसे लेके आ जाओ और जेवर लेके आ जाओ। पैसे जेवर जाओ। ये माला किसकी, माला कहाँ से लिया है? ये डाली थी एक भक्त ने मेरे, ये हनुमान जी का डाली थी सुबह, वही पहली मैंने उतार के हनुमान लेके आओ। मैं कहाँ सो गए क्या? अरे ये नहीं पुत्र, रुक जाओ अभी मैं खोलूंगा इसे। काय खोलोगे तुम, तुमने खोल ली? 4 चूड़ी और होंगी, 4 चूड़ी और होंगी। नहीं मेरे पास नहीं है। अब सुनो मेरी बात,
जेवर का तो तुम करोगे क्या? तुम्हारी कौन सी बीवी बच्चे हैं? अच्छा हम नहीं पहनेंगे? बीवी बच्चे है नहीं है जेवर। अरे हम भी तो पहनेंगे। रुको सुनो, खोल ले जरा, मदद करो मेरी, मदद करो। हाँ ये बात मैं ऐसा बोलो। खोल गई ये पकड़ना। पाँच। अरे और भी दो इसमें। पकड़ो तो सही, दे तो रहा हूँ। 10। 1000 रुपये आ गए। खाना पीना तुमने 8 दिन से यहाँ खाई रही हो हमारा। अच्छा हमारी पूरी मेहनत है, हमें तो इसे ऐसी लात दूंगा कि बबूल पे जाकर टक जाओगे और कांटे हो रहे इसमें पूरे शरीर में छिद जाएंगे। और सुनो, दोबारा गांव में दिख गए ना तो बेहिसाब पुलिस का पटावर तोड़वाऊंगा। धोखेबाज फ्रॉड आदमी हो तुम। मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा। और तो और उन्हें बताऊंगा मैं, तुमने ऐसी गलती की है हमारे साथ। बुला के लाऊंगा उन औरतों को। दिखाई मत देना है जीवन में, जिंदगी जब तक तुम्हारी रहे। इधर आर्मी जाना, मर जाना कहीं भी, कुएं में, पोखर में, चुल्लू घर पानी में डूब के, लेकिन इधर मुंह मत करना और इधर पैर करके भी मत सोना। अच्छा चश्मा छीनू? अच्छा चश्मा छीनू? कपड़े छीनू? अरे मैं जा रहा हूँ।